हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनलॉक साइंस। तो आज हम इस लेक्चर मिले हैं जो पिछले लेक्चर का हमारा कंटिन्यूएशन था। पिछले में हमने मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ा था। मोमेंट ऑफ फोर्स बेसिकली क्या होते हैं, किसी भी फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट होता है। तो मुझे उम्मीद है कि जिन्होंने उस लेक्चर को देखा होगा आप उस टॉपिक को समझ गए होंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, जो काफी जरूरी चीज समझना। फिजिक्स इज सिंपली जस्ट नॉट अबाउट मगिंग अप थिंग्स कि आप उसको याद कर लीजिए, रट लीजिए, फॉर्मूला डालिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर निकाल लीजिए। ना हमारा कभी ये मोटिव रहेगा कि हम आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करा दें, एग्जाम में नंबर दिलवा दें, पास हो जाएं। यस, एक हद तक जरूरी है कि आप अच्छे स्कोर करें, इट गिव्स यू गुड मोरल फॉर योर करियर। बट फिजिक्स में चाहिए ये कि आप ये समझें उसको, हम फॉर्मूले क्या अप्लाई कर रहे हैं, क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्या लॉजिक है उसके पीछे अप्लाई करने का। मतलब जब सवाल करें तो उसका एक फिजिकल पिक्चर बनाएं कि क्या के कहाँ कहाँ अप्लाई होगा। जो आप फॉर्मूले पढ़ रहे हो मतलब उसका क्या यूज़ है। मतलब फिजिक्स में चीज़ें बिना समझे करना उसका कोई मतलब नहीं है, मतलब उसका कोई यूज़ नहीं है। तो मेरा आपसे एक पर्सनल सजेशन यही है कि जब भी आप पढ़ें फिजिक्स, उसको मतलब इंजॉय करें। यू मस्ट इंजॉय द फिजिक्स, मतलब You must be able to perceive all the things which are happening in the environment. You must be able to relate what you have studied in physics in your books. You can see around yourselves. So this is all about physics. You must enjoy physics. तो आइए कुछ सवाल हम डिस्कस करते हैं। हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था, एक ये रॉड है ए बी और इस पे पॉइंट ए पे एक फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का और एक फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन का। तो पहले पार्ट में पूछता है कि यू हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ एफ वन अबाउट ओ। तो मोमेंट ऑफ वन लेते हैं, मोमेंट ऑफ एफ वन अबाउट ओ इज एम वन। अगर सिर्फ ये फोर्स एक्ट करेगा तो रॉड आपका कुछ ऐसे घूम जाएगा, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव। और क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये बन जाएगा प्लस 10 न्यूटन मीटर। प्लस नहीं लिखना चाहते हो तो यू कैन राइट 10 न्यूटन मीटर, बट वर्ड में यू हैव टू राइट एंटी क्लॉकवाइज। बी, देन यू हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ दैट फोर्स ऑफ 3 न्यूटन अबाउट ओ। तो अगर सिर्फ ये फोर्स लगेगा तो आपका रॉड क्लॉकवाइज घूमेगा। क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव। और फॉर्मूला क्या है, फोर्स और ये दूरी, ये दूरी कितनी 4 है, तो 3 इंटू 4 इट विल गिव यू -12 न्यूटन मीटर। फिर हमको निकालना है नेट मोमेंट। नेट मोमेंट क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, m1 प्लस m2 कितना आ जाएगा, प्लस 10 प्लस ऑफ -12 दैट विल गिव यू -2 न्यूटन मीटर। मतलब जो आपका नेट मोमेंट है दैट इज 2 न्यूटन मीटर इन क्लॉक वाइज रोटेशन। मतलब अगर जब रॉड ऐसे होगी उसको आप जब ये हिंज है जिसको सस्पेंड करके छोड़ोगे तो ये रॉड इधर घूम जाएगी आपकी। मतलब ये रॉड है आपकी, अभी मैंने होल्ड किया हुआ है, जैसे इसको फ्री करोगे दिस रॉड विल टिल्ट इन दिस डायरेक्शन। क्योंकि जो नेट मोमेंट क्या है, नेट मोमेंट इज 2 न्यूटन मीटर क्लॉक वाइज। ये इधर वाली फोर्स चाह रही है इसको इधर घुमाना, यानी चाह रही है इसको इधर घुमाना, बट जो नेट है नेट इज क्लॉकवाइज। तो जब उसको छोड़ोगे दिस रॉड विल गो इन दिस डायरेक्शन ऑफ वैल्यू 2 न्यूटन मीटर्स। तो आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उसने बोला है कि ये एक यूनिफॉर्म मीटर स्केल है। सो द वर्ड यूनिफॉर्म मींस कि जो वेट है स्केल का इट विल एक्ट फ्रॉम द सेंटर। तो स्केल का लेंथ कितना है, 100 सेंटीमीटर। उसका अगर यूनिफॉर्म है तो वेट विल एक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रॉड। तो 100 का आधा कितना होगा, 50 होगा। सो इस रॉड के मिड पॉइंट से इसका वेट एक्ट करेगा। कहता है कि जो रॉड है उसको इस नाइफ एज पे, इसको कहते हैं नाइफ एज, नाइफ एज के अलोंग इसको बैलेंस किया हुआ है जो 70 सेंटीमीटर के मार्क पे है। और ओरिजिन से या जीरो से जो 94 सेंटीमीटर का मार्क है वहां पे एक मास रखा हुआ है, यहां पे A mass of 0.05 kg is being placed at this point. तो वेट क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी। तो इसका जो वेट नीचे एक्ट करेगा दैट विल बी मास और जी इज ग्रेविटी।
Now it is said that this rod is being balanced. Balanced का मतलब होता है, balanced means the moment या net moment is zero. तो हमने इसको O मान लिया point, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए. That means if it is balanced, that means moment of A about O is equal to moment of B about O. तो A का moment क्या होगा? Force into ये दूरी. तो W into AO is equal to, यहां पे force कितना है? 0.05 G. और ये length कितनी है? देखो यहां पे मार्क 50 है, यहां 70 है, तो AO का लेंथ कितना होगा? इट विल बी 20 सेंटीमीटर. 0.05 G. यहां पे 70 है, यहां 94 है, तो ये दूरी कितनी आएगी? 24 सेंटीमीटर. अब बहुत से बच्चे कहेंगे कि सर हमने मीटर में कन्वर्ट क्यों नहीं किया, यहां भी सेंटीमीटर है, यहां भी सेंटीमीटर है, तो दोनों को जब कन्वर्ट करोगे तो दोनों के कन्वर्जन फैक्टर कॉमन होंगे, तो वो कैंसिल हो जाएंगे. तो आप लिखिए ना लिखिए बराबर बात वहां पर हो. तो हमको W निकालना है, तो W क्या बन जाएगा? 0.05 G into 24 by 20. So 4 6 are 24, 4 5 are 20. तो W क्या बन जाएगा? 0.05 G into 6 upon 5. फिर 5 है ऊपर, 0.05 क्या बन जाएगा? 0.01 into 6 into G. तो बन जाएगा 0.06 G बन जाएगा. और W क्या होगा? रॉड का मास या स्केल का मास इनटू ग्रेविटी. तो G और G कैंसिल कर दी, तो रॉड का मास कितना आ जाएगा? 0.06 kg आ जाएगा. सो द मास ऑफ द रॉड इज 0.06 kg एंड द वेट ऑफ द रॉड इज 0.06 into 9.8. या अगर चाहो तो 10 ले, चाहो 10 ले लीजिए, तो इट विल बी 0.6 न्यूटन. सो द मास ऑफ दिस रॉड इज 0.06 केजी एंड द वेट ऑफ द रॉड इज 0.6 न्यूटन्स. अब अगला सवाल ये कहता है कि यहां पे क्या यूनिफॉर्म रॉड है, तो ये 50 सेंटीमीटर के मार्क पे आपका ये नाइफ एज सपोर्ट है. एक फोर्स 150 ग्राम फोर्स, GF मीन्स ग्राम फोर्स वाला, GF नहीं जो आप सोच रहे हैं. GF is gram force and उधर आपका जो है that is 250 gram force. उसको नाम लेबल कर देते हैं A O B. तो moment of A about O will be what? इसका moment कैसा होगा? Anti-clockwise है, तो anti-clockwise is positive. So 150 into 40, तो ये कितना बन जाएगा? 6000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर. तो ये आपका बन गया क्लॉकवाइज मूवमेंट, इसको ए मान लेते हैं. ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है. क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होगा? मूवमेंट ऑफ बी अबाउट ओ, दैट इज क्लॉकवाइज माइनस ले लीजिए, 250 इंटू 20. तो MBO will be equal to minus 5000 gram force centimeter. So this is your net anti-clockwise movement, positive है. This is net clockwise movement. तो जो आपका net movement होगा, the net movement will be MAO plus MBO. That will be plus 6000 plus of minus 5000 is equal to plus 1000 gram force centimeter. That means the net motion of this rod is in anti-clockwise direction, moment positive आ रहा है. सवाल के डी पार्ट में पूछता है कि मैं एक 100 gram force का, इसने बोला एक force है 100 gram force value की, उसको हम कहां place करें कि इस rod का net moment जीरो हो जाए. तो इसका नेट मोमेंट है, इट इज गोइंग इन, दिस इज योर नेट मोमेंट एम इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो मुझे इसको नलिफाई करना है. दैट मींस वो जो वेट होगा, इस वेट का जो मोमेंट होगा वो कुछ ऐसा होगा. ये एम है,
इसको हम m डैश मान लेते हैं। सपोज द मोमेंट ऑफ 100 ग्राम फोर्स इज m डैश, मतलब वो वेट कहीं यहां रखा हुआ, मान लीजिए ये दूरी है, लेट दिस डिस्टेंस इज x। सो फॉर इक्विलिब्रियम m शुड बी इक्वल टू m डैश। m कितना आया है, प्लस 1000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। m डैश क्या होगा, ये फोर्स दिया आपको, वेट दिया हुआ है 100 ग्राम फोर्स इनटू x सेंटीमीटर, तो ये कैंसिल हो गया, 100 से चला गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट विल बी 10 सेंटीमीटर। लेकिन ये दूरी कहां से नाप रहे हो, यहां से नाप रहे हो। सो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रॉड और फ्रॉम द नाइफ एज सपोर्ट इट शुड बी प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स राइट ऑफ सपोर्ट, इधर रखा होगा। अगर कहें कि स्केल पे मार्किंग क्या होगी, भाई ये 0 है, ये 50 है, यहां से 10 सेंटीमीटर और है, तो यहां पे स्केल की रीडिंग क्या होगा, 60 सेंटीमीटर। तो सवाल में आपको पूछ देखना है कि वो क्या पूछ रहा है। अगर कहता है फाइंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सपोर्ट 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स मार्किंग ऑन द स्केल वेयर दिस शुड बी प्लेस्ड, दैट इज 60 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि 10 सेंटीमीटर यहां से है, ये खुद 50 के मार्क पे है, तो 50 में 10 और जोड़ोगे इट विल बिकम 60 सेंटीमीटर। सो फ्रॉम द नाइफ एज सपोर्ट दिस वेट शुड बी प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर राइट में, या स्टार्टिंग से इट शुड बी प्लेस्ड, या फ्रॉम, अब तीन आंसर इसके, फ्रॉम द नाइफ एज सपोर्ट इट शुड बी प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड सपोर्ट इट शुड बी प्लेस्ड एट 60 सेंटीमीटर, और फ्रॉम द राइट एंड सपोर्ट इट शुड बी प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर। तीनों आंसर आपके सही होंगे। अगर वो कुछ स्पेसिफिकली नहीं पूछता आपसे तो आप तीनों आंसर में कुछ भी लिख सकते हो, तीनों आंसर आपके सही माने जाएंगे आपके। अब आइए एक आखिरी सवाल देखते हैं हम लोग। तो मैंने कोशिश की, मैंने इस चैप्टर से या इस टॉपिक से जितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने वो डिस्कस कर लिए हैं। बाकी अगर आपको इसके डिटेल असाइनमेंट शीट चाहिए होंगे तो आप साइट पर विजिट कर सकते हैं, मैं जल्दी उस पर अपलोड कर दूंगा। So you can download those sheets from that from the site and you can practice the questions accordingly. बाकी अगर आपको उसमें doubt होता है आप इस video के end में वो comment में आप लिख सकते हैं कि मुझे इसमें doubt है, मैं कोशिश करूंगा मैं उसका ही एक video बनाऊंगा मैं। तो मैंने कोशिश की, मैंने हर angle को, हर इसके dimensions को cover कर लिया है, आप practice करिएगा। In case if there problem arises, मैं उम्मीद करता हूँ कि problem आपको बिल्कुल भी ना हो, मेरी पूरी कोशिश यही रहती कि मैं आपको ऐसा पढ़ा दूं कि यू मस्ट बिकम सेल्फ सफिशिएंट। आप सवाल लगाइए, बढ़िया बढ़िया सवाल कीजिए, डाउट आता है यू कैन रीच अस टू एट बाय एट एनी अदर प्लेटफॉर्म्स, आप अपनी क्वेरीज लिखिए हमको दीजिए, हम उसको सॉल्व करके आपको विद इन 24 to 48 hours आपको हम वापस रिवर्ट बैक कर देंगे आपको हम। तो आखिरी सवाल इसमें यह बनता है कि दो फोर्स दिए हैं आपको, एक दी है 5 newton और दूसरी दी है 5 newton, ये पॉइंट ओ है, इसकी दूरी यहां से 5 सेंटीमीटर है, इसकी दूरी भी यहां से 5 सेंटीमीटर है, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लेते हैं। कहता है मोमेंट अबाउट ओ निकालिए, तो मोमेंट अबाउट ओ क्या होगा, ए का मोमेंट ओ के अबाउट और बी का मोमेंट ओ के अबाउट। अगर सिर्फ ए एक्ट करेगा तो ये कुछ इधर घूमेगा, तो ये सेंस ऑफ रोटेशन कैसा हो गया बताइए, सोचिए, ये क्लॉकवाइज हो गया, तो क्लॉकवाइज इज नेगेटिव, और क्या होता है फोर्स इनटू दूरी न्यूटन में है, तो डिस्टेंस आपको कवर करना पड़ेगा मीटर में, प्लस ये कर रहा है तो इसका रोटेशन क्लॉकवाइज होगा, माइनस 5 × 5/100, तो बन जाएगा -25/100 - 25/100, दैट इज -50/100 और -0.5 newton per meter। इसको हम कैसे डिकोड करेंगे कि जो मेरा नेट मोमेंट है ओ के अबाउट उसका मैग्नीट्यूड 0.5 newton meter है और उसका जो सेंस ऑफ रोटेशन है दैट इज क्लॉकवाइज इन नेचर, क्लॉकवाइज इज टेकन टू बी नेगेटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज बाय कन्वेंशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव। तो यहां पे इन दोनों फोर्स सिस्टम आपका क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देगा पॉइंट ओ के अबाउट और उसका जो मैग्नीट्यूड दैट इज 0.5 newton meters। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि जो सवाल मैंने आपसे डिस्कस किए हैं वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहे होंगे।
और इन केस मुझसे अगर कुछ छूट गया हो तो आप वो सवाल मुझे लिख के भेज सकते हैं, मैं आपको वापस उसको सॉल्व करके भेज दूंगा। मैं बाकी आप हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में, अपने जानने वालों में जिनको इसकी ज़रूरत है, जो पढ़ना चाहते हैं उनको शेयर करें, जो नए जुड़ रहे हैं और जो हमको देख के भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज डू सब्सक्राइब अस टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ आवर चैनल। प्लीज डू हिट द बेल आइकन एंड फॉर डिटेल नोट्स यू कैन विजिट अस एट www.unlockscience.in। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।